हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका यूटेक में। जैसा कि दोस्तों थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप आधार का काम करना चाहते हैं या आयुष्मान का काम करना चाहते हैं, पैन कार्ड का काम करना चाहते हैं, वोटर आई कार्ड का काम करना चाहते हैं, तो ये सभी वर्क आपको एक ही पोर्टल में मिल जाती है। यहाँ पे आपको ये जो सर्विस है, ये सर्विस अभी इंडिया में सबसे ज्यादा वर्क हो रही है। अगर आपने साइबर कैफे खोला है, डिजिटल कैफे खोला है, तो आपके लिए ये वर्क सबसे ज्यादा जरूरी होता है और इसी के ग्राहक आपके पास आते हैं। यहाँ पे जो आधार का काम मिलने वाला है, वो सिर्फ आपको यहाँ पे अपडेट का भी काम मिलेगा और यहाँ पे नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो काम मिलेगा, इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे पीसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे एनईसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे बिना सर्टिफिकेट के आपको ये सभी काम मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पे ये कंपनी है, ये आपको इंडिया में सबसे टॉप कंपनी है और ये कंपनी में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कंपनी आपको आधार सेवा केंद्र के साथ साथ बहुत सारी सर्विस आपको दे देती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कितना सारा सर्विस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पैन कार्ड की भी सर्विस मिलने वाली है, तो यहाँ पे आप पैन कार्ड दे के भी सर्विस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप आधार कार्ड सर्विस का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप आयुष्मान कार्ड का सर्विस का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पे आईटी में भी बहुत सारी सर्विस आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी आपको यहाँ पे सर्विस देखने को मिल जाती है जिसका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड का काम जो मिलता है वो आपको बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे आपको 91 रुपए में आपको बिना जीएसटी का यहाँ पे आप बना सकते हैं और यहाँ पे आपको 91 रुपए में ही पैन कार्ड बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको दोस्तों बता दें, आपको आधार कार्ड की सर्विस लेनी है, आधार कार्ड की आईडी लेनी है, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड की आईडी भी मिल जाती है। यहाँ पे 2 दिनों में आपको आधार कार्ड की भी आईडी मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आयुष्मान कार्ड की आईडी आपको 5 मिनट में मिल जाती है, पैन कार्ड की आईडी 5 मिनट में मिल जाती है, जहां से आप 1 घंटे में आप पैन कार्ड बना सकते हैं और 1 घंटे में डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों का पैन कार्ड यहाँ पे 5 मिनट में भी आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप आधार सर्विस का यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बहुत सारे लोग अभी आधार सर्विस का ही यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आधार सर्विस का यूज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्लिक टू विजिट पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आ जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों आधार की जो काम मिलेगी, यहाँ पे आपको अगर आप आधार का काम शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आपको एडल्ट और यहाँ पे चाइल्ड का अगर आप नया आधार कार्ड बनाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। अगर आप बायोमेट्रिक और डेमोग्राफी अपडेट, आप यहाँ पे 15 साल से कम के बच्चे का अगर आप डेमोग्राफी अपडेट यहाँ पे करते हैं या बायोमेट्रिक अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पे अगर 15 साल से ज्यादा लोगों का, 15 साल से ऊंचे लोगों का, 15 साल से बड़े लोगों का अगर आप यहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट करते हैं और डेमोग्राफी अपडेट साथ में करते हैं, तो यहाँ पे आपको 100 रुपए चार्ज लेना है। अगर आप सिर्फ डेमोग्राफी अपडेट करते हैं तो यहाँ पे 50 रुपए लगता है। उसके बाद यहाँ पे ई आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं बिना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़े, तो यहाँ पे आपको 30 रुपए चार्ज लग जाते हैं। डेमोग्राफी अपडेट में ही आपका मोबाइल नंबर ऐड का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे बायोमेट्रिक में आपका आता है जैसे कि थंब इंप्रेशन लगाना हो गया, यहाँ पे आपको फेस स्कैनर हो गया, आई स्कैनर हो गया, इसके बाद यहाँ पे ये जितने भी चीजें होते हैं, जैसे आपका फोटो चेंज करने का ऑप्शन हो गया, ये सभी चीजें अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों और भी आगे आपको सर्विस मिलने वाली है, जो सर्विस का आप यहां पे यूज कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहां पे आधार सर्विस पे चले जाना है। तो दोस्तों यहां पे जो भी सर्विस आपको मिलती है, इसमें आपको कमीशन भी मिलता है 50%। तो यहां पे दोस्तों देख सकते हैं, यहां पे आपको इस आईडी को लेना कैसे है, तो यहां पे आधार लोकेटर का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहां पे आधार सेंटर लोकेटर पे आप चले जाएंगे, यहां पे ऑल इंडिया कस्टमर केयर का आपको सेंटर का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आधार का काम आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आधार सेंटर लोकेटर का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे विजिटिंग आवर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मंथली जो मिलता है, यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे आप यहाँ पे जाके 9:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आप विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। उसके बाद 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे विजिटिंग आवर है, तो ये सैटरडे का आप यहाँ पे 9:30 बजे से 3 बजे तक ही मिलेंगे। अगर आप मंडे टू फ्राइडे जाते हैं तो 9:30 बजे से 5 बजे तक मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको एड्रेस भी मिल जाता है आधार सेंटर लोकेटर का, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारा कलकत्ता है, तो यहाँ पे हमारे सामने शो हो जाता है। शो होने के बाद यहाँ पे कलकत्ता का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर ऐसे ही अगर आप पैन कार्ड का सर्विस का यूज करना चाहते हैं, पैन कार्ड की आईडी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे पैन कार्ड पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे अप्लाई पैन कार्ड पे चले जाना है।
अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई पैन कार्ड पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे यूटीआई का ऑप्शन मिल जाता है जहां से आप पैन कार्ड बना सकते हैं, या ये आपका जो बनता है ये सिग्नेचर वाला पैन कार्ड बनता है और यहाँ पे आपको फिजिकली आपको डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है। यहाँ पे हम दो ऑप्शन बताएंगे, अगर आप फिजिकली डॉक्यूमेंट नहीं भेजना चाहते हैं, यहाँ पे आधार से बनाना चाहते हैं तो वो भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे आप फिजिकली पैन कार्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे साइन आ जाता है और यहाँ पे फोटो आ जाता है, तो यहाँ पे फोटो आपको और साइन के साथ साथ अगर चाहिए तो आपको यहाँ पे यूटीआई से ही बनवाना होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अगर नाम डेट ऑफ बर्थ कुछ भी अगर आपका चेंज हो करना चाहते हैं यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं अपना पैन कार्ड, या यूटीआई से हो या एनएसडीएल से हो, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पैन कार्ड यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना होगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई न्यू पैन कार्ड पे आपको चले जाना है, जहाँ पे आपका एक आईडी बन जाता है और यहाँ पे पैन कार्ड आप फिजिकली और यहाँ पे सभी चीज पैन कार्ड का ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड में फॉर्म में यहाँ पे आपको इंडिविजुअल ही सिलेक्ट रखना है और यहाँ पे आपको बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड पे आपको क्लिक करना है। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको 5 मिनट में पैन कार्ड चाहिए तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है NSDL, सिर्फ आपको इतना ही सर्च करना है और यहाँ पे अप्लाई, ठीक है, APPLY आपको कर देना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा onlineservice.nsdl.com, तो आपको इसी पे आ जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे ऑनलाइन पैन कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होता है तो आप यहाँ पे पैन कार्ड बनवा सकते हैं और यहाँ पे आपका पैन कार्ड 5 दिन में आपके घर पे आ जाता है और यहाँ पे 5 मिनट में आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू सिटीजन आपको लिखना होगा, न्यू पैन कार्ड और इंडियन सिटीजन, और यहाँ पे कैटेगरी में आपको इंडिया जी सिलेक्ट रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे टाइटल में श्री और श्रीमती डाल देना है, जैसे कि अगर आप लड़के हैं तो श्री आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है और यहाँ पे लास्ट नेम डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, ईमेल आईडी आपको डालना जरूरी इसलिए है, आपको ईमेल आईडी पे ही आपका पैन कार्ड आ जाता है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको ईमेल आईडी पे पैन कार्ड डालना जरूरी है। आपको यहाँ पे सही ईमेल आईडी डाल देना है और इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आके यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये वाला कैप्चा आपको नीचे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड में कुछ नहीं मांगता है, यहाँ पे आपको फिजिकली और यहाँ पे ई पैन कार्ड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका सब कुछ पहले से ही भरा हुआ आ जाता है। यहाँ पे आपको अपने पापा का या मम्मी का पैन कार्ड में नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे एड्रेस डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप आसान तरीके से पैन कार्ड बनवा सकते हैं। आगे एक ऐसी वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको 5 मिनट में पैन कार्ड कैसे बनता है वो आपको बताएंगे, और पैन कार्ड आपको ई साइनिंग वाला पैन कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश किया कि अगर आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं 5 मिनट में तो पैन कार्ड बनवा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आ जाती है कि यहाँ पे अगर आप पैन कार्ड नहीं बनवाना चाहते, यहाँ पे आपको जो बनवाना है वो आयुष्मान कार्ड बनाना है, तो यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे क्लिक टू विजिट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों आ जाएंगे, यहाँ पे आप आयुष्मान कार्ड के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे यूजर आईडी पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है, लेकिन यहाँ पे आपको यह सब नहीं करना है, आपको यहाँ पे सेतु पे लिख देना है, यहाँ पे सेतु लिखना है, आयुष्मान कार्ड आपको यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे फर्स्ट वाले पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना एक आईडी बना लेना है, रजिस्टर्ड योर सेल्फ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक आईडी बना लेना है। आईडी बनाने के लिए यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे आधार नंबर डाल के सबमिट करना है। उसके मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी जाएगा, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अगर आप आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं तो इसकी आईडी आपको 5 मिनट में बन जाती है। इसके बाद यहाँ से आप आयुष्मान कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आता है जहां से आप डायरेक्ट यहाँ पे आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा और सिंक पे क्लिक करना होगा, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाता है, जो मोबाइल नंबर आपका आयुष्मान में लिंक होगा तो यहाँ से आप आयुष्मान कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर न्यू
आईडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं है तो आप नियर बाय किसी भी सेंटर में जाके, आधार सेंटर में जाके आप अपना मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। उसके बाद बहुत आसान तरीके से आप यहाँ पे आयुष्मान कार्ड की बनाने की आईडी आपको मिल जाती है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश किया तो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।